हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके लिए फिर से लेके आ गए एक नई ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट ड्राइव के बारे में जो हायर कर रही है टेरा डेटा। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ के अपनी डिटेल बताऊंगा, तो इसमें अप्लाई करने से पहले आप मेरी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको अप्लाई करते समय कोई दिक्कत ना हो। और इसी तरह के लेटेस्ट जॉब अपडेट पाने के लिए आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए आप नोटिफिकेशन को भी ऑन जरूर कर सकते हैं। चाहे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, यहाँ देख सकती है कि यहाँ पर आपका जो रोल होने वाला है वो आपका एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रोल होने वाला। और यहाँ बात करें कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ मैं दिखा दूँ आपको कि यहाँ पर बीटेक, यहाँ पर बी हट गया है, बीटेक, एमटेक, एमसीए, एमएससी, इन सीएसआईटी और रिलेशन और रिलेटेड डिसिप्लिन के लोग जो भी है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की बात करें 0 to 2, मतलब कि अगर आप 2020 तक पास आउट बेचे तो अप्लाई कर सकते हैं, 2021 पास आउट बेचे यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ उन्होंने यहाँ मेंशन पहले कर रखा है कि 0 to 2 years आपका एक्सपीरियंस होनी चाहिए। ओके, एक यहाँ बात करिए डिजायर्ड स्किल की, तो यहाँ देख सकते हैं कि आपको थोड़ी बहुत JVM की नॉलेज होनी चाहिए, जावा वर्चुअल मशीन के बारे में, JVM टर्निंग के बारे में, टेरा डेटा, उसके बाद आपको PostgreSQL जो आपका डेटाबेस होते हैं उसका, डोकर, माइक्रो सर्विसेज, जीरा, गिट। जीरा भी तो पता ही होगा, गिट आपका जो उसका जेकनिन आर्टिफैक्ट्री इन एन CI/CD, ठीक है। तो इन सब ये सब सारे गिटहब के गिटहब में आते हैं, जिसमें हम लोग ऑनलाइन अपने प्रोजेक्ट को हैंडल करते हैं रन करते समय, उसका इस नॉलेज आपकी होनी चाहिए। और बात करें तो आपको JEE टेक्नोलॉजी स्प्रिंग फ्रेमवर्क जो आपके जावा के अंदर में, अगर आप वेब बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, तो उसमें आपका ये काम आता है। आगे बात करें jQuery, आपका बैकबोन रिएक्ट के बारे में नॉलेज तो थोड़ी बहुत होनी चाहिए थी। और आप जब रिज्यूमे क्रिएट करें तो मेक श्योर करें कि आपको ये स्किल्स आपको उसमें ऐड हो। यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, तो अगर आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज होगी, नहीं भी होगी, तो आप गूगल से सिंपली यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, आपने अगर आप अप्लाई कर रहे हैं किसी भी ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट ड्राइव के बारे में, तो मेक श्योर करें कि आपका जो लिंक्डइन प्रोफाइल है वो प्रोफेशनल दिखता हो, ठीक है। आपका हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है, कि आपका लिंक्डइन और आपका रिज्यूमे प्रोफेशनल वे होना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं कि लाइक किस तरह से आप अपने रिज्यूमे को अच्छे से बना, लाइक अपने ये लिंक्डइन प्रोफाइल किस तरह से प्रोफेशनल बना सकते हैं, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। जो यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, तो मैं जरूर वीडियो लेके आ जाऊँगा, ठीक है। तो इसमें अप्लाई करने के लिए सिंपल आपको यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करना है, और उसके बाद देख सकते हैं कि आपको हमेशा याद रखना है कि आपको अपने जो आपका जो लिंक्डइन है उसको हमेशा प्रोफेशनल रखना है। क्योंकि देखो, यहाँ पर अप्लाई करते समय इन लोगों ने भी डिमांड किया है कि साइन इन विद लिंक्डइन, तो आपको लिंक्डइन जो प्रोफाइल है या मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल है, तो आप मेरे प्रोफाइल को कंसीडर कर सकते हैं। आपको अपना जो प्रोफेशनल है वो अपना बनाना है, अच्छे तरीके से क्रिएट करना है। मैं बहुत जल्दी वीडियो लेके आ जाऊँगा, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं जरूर बता दूंगा कि किस तरह से अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को प्रोफेशनल बनाना है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं आप लिंक्डइन से भी अप्लाई कर सकते, नहीं है तो फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं यूज़र नेम और पासवर्ड, अगर नहीं है तो फिर फेसबुक से भी साइन कर सकते हैं। आप एक अकाउंट नहीं है तो सिंपल यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, कंफर्म पासवर्ड, उसके बाद आपको एक ईमेल आएगा, कंफर्म करना है, फिर सिंपल आपको अपना रिज्यूमे अपलोड करके 2-3 स्टेप करके अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी, लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के किसी नए जॉब अपडेट के बारे में, तब तक अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहे। जय हिंद, जय भारत।